स्टार्ट। पर्यावरण में होने वाले बदलावों की वैज्ञानिक भविष्यवाणियां साधारण इंसानों के लिए पूरी तरह समझ पाना कठिन है। हम गर्म होते तापमान, बढ़ते समुद्री जल स्तर, कैंसर की बढ़ती दर, जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों की कमी और विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने के बारे में सुनते रहते हैं। हर जगह मानवीय गतिविधि कुदरती पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रमुख तत्वों को नष्ट करने की और तेजी से बढ़ रही है, जिन पर सभी जीवित प्राणी निर्भर हैं। ये खतरनाक घटनाक्रम कठोर और साथ ही अद्भुत हैं। दुनिया की जनसंख्या पिछली सदी में ही तिगुनी हो चुकी थी और मौजूदा सदी में इसके दोगुना होने की संभावना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो ऊर्जा खपत की दर भी काफ़ी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और वनों की कटाई भी बढ़ेगी। हमारे जीवनकाल में ही जिस तेजी से चीज़ें घटित हुई हैं उसकी कल्पना करना कठिन था, इसलिए हमें मानव इतिहास की अन्य किसी भी चीज़ से ज़्यादा वैश्विक पीड़ा व पर्यावरणीय क्षति पर विचार करने की ज़रूरत है। पिछली सदी में हमने काफ़ी गरीबी, युद्ध, प्रदूषण व पीड़ा देखी है। ऐसी चीज़ें अज्ञानता और स्वार्थ के कारण होती हैं, क्योंकि हम अक्सर सभी प्राणियों के सामान्य संबंध को देखने में नाकाम रहते हैं। धरती तो हमें गलत दिशा वाले मानवीय कृत्यों के बारे में बार बार आगाह करती रहती है, इसलिए हमें पारस्परिक निर्भरता के प्रति अधिक जागरूक होना होगा। धरती का हर संवेदनशील प्राणी सुख चाहता है। हम सब समान बुनियादी भावना साझा करते हैं, इसलिए मैं हमेशा सार्वभौमिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की बात करता हूँ। जब हम ज्ञान और करुणा से प्रेरित होते हैं तब हमारे कार्यों के प्रतिफल से सबको लाभ होता है। केवल हमें व्यक्तिगत रूप से फायदा नहीं होता। जब हम अज्ञानता से भरे पुराने कार्यों को जान जाते हैं और माफ़ करने में सक्षम हो जाते हैं तब हमें मौजूदा समस्याओं को रचनात्मक तरीके से सुलझाने की ताकत मिलती है। हमें अपने पूरे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनने के नज़रिए का विस्तार करना चाहिए। एक बुनियादी सिद्धांत के तौर पर पूरी दृढ़ता से इस बात का पालन करना चाहिए कि यदि हम मदद कर सके तो बेहतर, और यदि मदद नहीं कर सकते तो कम से कम नुकसान न पहुंचाने का प्रयास करें। जब अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के जटिल संबंधों के बारे में बहुत कुछ जानना समझना बाकी है तब यही सिद्धांत हमारा मार्गदर्शक है। यह धरती हमारा घर और हमारी माँ है। हमें इसका सम्मान और इसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। इसे समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एक हिंदी वेबसाइट ने
सवाल पूछा था आपको गदर और गदर 2 में कौन सी फिल्म अधिक पसंद है। मैंने जवाब दिया गदर 2 देखी नहीं, पहली वाली पसंद नहीं आई। मेरे इस कमेंट पर उस वेबसाइट के कई पाठक नाराज हो गए। उन्हें लग रहा था कि आखिर कोई गदर एक प्रेम कथा को कैसे ना पसंद कर सकता है। मेरी ट्रोलिंग भी हुई, मगर सच यही है कि तमाम मनोरंजन और मसाले के बावजूद मुझे गदर पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इसको देखने से पहले मैंने एक फिल्म फेस्टिवल में नेशनल अवार्ड विजेता पंजाबी फिल्म शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह देख ली थी। बड़ी प्यारी फिल्म है यह। साल 1999 में बनी इस फिल्म में गुरुदास मान और दिव्या दत्ता ने मुख्य भूमिका अदा की है। बूटा सिंह की कहानी बिल्कुल सच्ची है। आज भी उनका पाकिस्तान में मजार है, जिसे वहां के युवा शहीदे मोहब्बत के नाम से बुलाते हैं। इसी बूटा सिंह की कहानी पर गदर एक प्रेम कथा भी बनी है, लेकिन इसके निर्माता यह नहीं कहते कि उनकी फिल्म बूटा सिंह की सच्ची कहानी पर आधारित है। वैसे भी गदर फिल्म बनाने वालों ने बूटा सिंह की कहानी के आखिरी हिस्से को बदल दिया था। बूटा सिंह की सच्ची कहानी यह है कि जब उनकी बीवी जैनब और बेटी को पाकिस्तान वाले अपने साथ लेकर चले जाते हैं, तो वह अपनी बीवी और बेटी को लाने पाकिस्तान जाते हैं। वहां परिवार के दबाव में जैनब अदालत में यह बयान देती है कि वह बूटा सिंह के साथ नहीं जाएगी। ऐसे में बूटा सिंह रेल से कटकर अपनी जान दे देते हैं, मगर उनकी मोहब्बत की कहानी पाकिस्तान के युवाओं को इतनी भाती है कि वे उनका मज़ार बनाते हैं और उनको शहीदे मोहब्बत कहकर पुकारते हैं। शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह फिल्म में यही कहानी है, मगर गदर में फिल्म बनाने वालों ने मोहब्बत की जीत दिखाई और टॉक्सिक होते राष्ट्रवाद का तड़का लगाया। आम लोगों को ये मसाले पसंद आए और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, मगर असल कहानी तो कुछ और थी। उसकी खुशबू अलग थी, उसमें मोहब्बत थी और मोहब्बत की वजह से दोनों देश के लोगों के बीच मिटती खाई थी। कमाई के चक्कर में गदर वालों ने इस खूबसूरत कहानी की असली खुशबू से समझौता कर लिया। यही बात मुझे पसंद नहीं आई। पता नहीं मेरी बात आपको कितनी अच्छी लगी, मगर नफ़रत और मोहब्बत में जब हम चुनेंगे तो मोहब्बत को ही चुनेंगे।